नमस्कार जोहार। और आज जो वीडियो बनाने का मकसद ये, आप देखते होंगे तो चौंक जाइएगा, अचानक आपका हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी सोच लीजिए कुछ भी हो सकता है। वैसे भी तो आप परेशान ही हैं सिलेबस को लेकर, 60-40 के लेकर भी ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, उसमें भी टेंशन है। और अगर इसको भी देखिएगा, देखिए झारखंड का जो कैसा यहाँ के छात्रों को ठका जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाया जाता है, आपको साक्षात दर्शन करवाते हैं। और क्यों हम चिल्लाते हैं और क्यों देवेंद्रनाथ महतो के साथ इधर उधर साथे में दोनों आदमी इधर उधर भटकते हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्यों सौंप रहे हैं 60-40 के लेकर, आइए इसी वीडियो में हम दिखाते हैं कि क्यों भेदभाव किया जा रहा है। जब दोनों बहाली झारखंड का है, दोनों बहाली झारखंड में एक भारत का नागरिक मांग रहा है, एक भारत के नागरिक मांग रहा है, एक झारखंड की निवासी मांग रहा है, एक भारत के नागरिक मांग रहा है, एक झारखंड की निवासी मांग रहा है। इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जब तक हम आपको नहीं दिखाएंगे तब तक आप समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के छात्र चाहता है कि एग्जाम होगा, उसके बाद पता चलेगा मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तब फिर रोने लगेंगे कि रिजल्ट नहीं हुआ। फ़ोन करेंगे, किसको फ़ोन करेंगे, जिसका रिजल्ट नहीं होगा उसको फ़ोन करेंगे कि तेरा रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, साला अबरी बार में हो जाता, लेकिन मिस्टेक कर दें, दो चार को गलती क्वेश्चन हो गया, इसे उसे कह के फ़ोन में रात भर बतियाइएगा, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगा, फिर घर से पैसा बंद कर हो जाएगा, फिर एक्ट्री फैक्ट्री में काम कीजिएगा, फिर इधर उधर काम कीजिएगा, उस समय फिर बाल बच्चा छोटे को बुतरू हो जाएगा, फिर वही पालने में दिक्कत होगा। इसलिए अभी जो है कंडीशन को अगर आप पढ़ लिख कर और शिक्षित हो के अगर आप अगर नहीं जागते हैं, अगर आप अगर रांची में पढ़कर या बड़े बड़े शहर में आप पढ़ते हैं, हम लोग माँ बाप अनपढ़ बाहर में रख के पढ़ा रहा है, हम लोग है पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति अपना बेटा बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पाएंगे बाहर में, आपको बता रहे हैं इतना महंगाई बढ़ गया है। इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं आँख खोल के देख लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, आपको साक्षात दिखाते हैं कि बाहरी भीतरी कैसे झारखंड के छात्रों को विज्ञापन में किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें झारखंड सरकार जो है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है, ये नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है, सबको बता रहे हैं, एनएम और जेएनएम का जो होता है, मेडिकल में पढ़ाया होता है उसी का है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या मांगा है, इसको जो इंट्रेस्ट एग्जाम है ये, इसको क्या मांगा है कि नामांकन है तो इच्छुक आवेदन भारत नागरिक होने के साथ साथ, भारत नागरिक साथ साथ, गौर से पढ़िएगा इसी मुद्दे पर, झारखंड के तमाम जितने भी जितने भी बहाली है जेएसएससी से संबंधित, भारत के नागरिक ही मांगा है, लेकिन इस बहाली में आपको बता रहे हैं किस कहलाते हैं, झारखंड के स्थानीय निवासी शेरनी में आना चाहिए, यानी कि इसमें झारखंड के स्थानीय निवासी मांग दिया है। लेकिन इसमें हम जब आते हैं जेएसएससी क्या है, ये जेएसएससी क्या है, ये जेई क्या है, ये जेई क्या है, और इसमें बता रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं, देखिए यहां जो घेरा किया हुआ है, अब देखिए भारत का जो आपको बता रहे हैं, ये भारत का नागरिक ही अप्लाई कर पाएगा, भारत के नागरिक के साथ साथ डिप्लोमा के जितने भी स्तरीय, भारत के कहीं से भी डिप्लोमा कोई भी किया हुआ है तो उस छात्र को इसमें भरेगा। लेकिन झारखंड शब्द का उल्लेख इसमें नहीं किया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी नहीं भर पाएगा, जो है स्थानीय निवासी नहीं मांगा है, जिस प्रकार इसको मांगना चाहिए झारखंड का स्थानीय निवासी जो है वही भरेगा, ऐसा नहीं मांगा है। भारत के नागरिक साथ साथ झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, जेएसएससी के जितने भी फोरम में हैं सभी में ये चीज़ लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तमाम जितने भी बहाली आया है झारखंड में किसी में भी नहीं है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे सचिवालय आने वाला है, चाहे आपका पीजीटी हो, किसी में नहीं मांगा है, यानी कि भारत के नागरिक खुला स्वतंत्र से है। और इसमें देखिए प्रवेश, जब इसको इंट्रेस्ट एग्जाम लेने का है तो ये भी झारखंड सरकार जारी करता है, जेएसएससी जारी करता है, यानी कि ये भी झारखंड सरकार के माध्यम से जारी होता है। अब दोनों में फर्क देखिए, और दोनों झारखंड राज्य की है लेकिन कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। अब देखिए, अब झारखंड सरकार का करना क्या है, खाली स्थानीय इसमें मांग देना है, जिस प्रकार इस बहाली में स्थानीय निवासी मांगा है उसी प्रकार इसमें मांग दे तो सबसे बेहतर है, अन्यथा झारखंड के छात्र बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा छात्रों को और यहाँ के जनताओं को, क्योंकि आज इसी का लड़ाई है साथियों, 60-40 का इसी की लड़ाई है, और कोई भी हालत में इसका रोक के रखेंगे और होने नहीं देंगे। जिस प्रकार यहाँ स्थानीय निवासी मांग किया है उसी प्रकार हम इस जेएसएससी बाली में करेंगे। और जो पेयजल मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उससे भी मिले थे, 40 मिनट तक उससे बहस हुआ था, 40 मिनट देवेंद्र नाथ महतो थे, आम थे, और जेएसएससी के सदस्य जितने भी थे सभी थे, उससे हम बात किए कि देखिए ये कंपेयर दोनों में हम मिलाए थे, दोनों में कंपेयर करके उसको बताए थे कि आप ही दोनों जारी किए हैं, लेकिन इसमें एक झारखंड
स्थान भारत के नागरिक सर झारखंड के स्थान निवासी मांग रहे हैं, लेकिन एक जारी किए हैं इसमें इंजीनियरिंग वाला में जो जितने जेसेसी जितने बहाल लिया हुआ है इसमें किसी में आप नहीं झारखंड के स्थानीय निवासी मांगे, केवल भारत के नागरिक मांगे हैं। क्या झारखंड इसलिए अलग हुआ था? क्या झारखंड 23 साल यही देख रहा है, दुर्दशा देख रहा है? क्या झारखंड को जो बिहार में ही रहता वही बेहतर था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग उठिए जागिए, अन्यथा आप जो है पढ़ते पढ़ते रगड़ाते रगड़ाते फिर नया सिलेबस जारी हुआ है, पढ़ते रहिए कितना पढ़ना है। तो उसी प्रकार ये जो है रोक लगना चाहिए झारखंड के छात्रों के केवल होना चाहिए, अन्यथा बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा यहाँ छात्रों के लिए। इसलिए तमाम हाथ जोड़ के हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करें यहाँ के छात्रों को सपोर्ट करें। कोई बाहरी टीचर इस प्रकार नहीं दिखाएगा आपको, हम दावे के साथ बोलते हैं, दावे के साथ कि कोई टीचर झारखंड का अभी तक ऐसा नहीं दिखाया है ना दिखाएगा, क्योंकि उसको बेचना है, किताब बेचना है, कोर्स बेचना है, सभी को लूटना है, यहाँ के छात्रों को लूटना है और अपने प्रॉपर्टी बनाना है। लेकिन यहाँ के छात्र नर्क में जा रहे हैं, कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि छात्र यहाँ कितना परेशान है, कितना आत्महत्या कर रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं। हजारीबाग में हाल ही फिलहाल में आत्महत्या कर ले, धनबाद में ट्रेन में कट के मर गया एक युवक। बताइए सब कौन है? बेरोजगार और गरीब शोषित गरीब किसान का बेटा वो थे, कोई मालदार पार्टी के नहीं थे। अगर मालदार पार्टी के रहते तो आत्महत्या नहीं करता, लेकिन एक नौकरी थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए नौकरी कर रहा है। और झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द अब एक महीना देर सही लेकिन सही से एग्जाम लीजिए और झारखंड के छात्रों का बचा लीजिए और यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को बचा लीजिए, अन्यथा बर्बाद होने से कोई नहीं। बर्बाद तो हो ही गया है, आज झारखंड में बता रहे हैं, इसी भारत के नागरिक की वजह से यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों की बात कर रहे हैं। कूड़ा करकट बड़े बड़े फ्लैटों में, बाथरूम में साफ करते हैं, रोड में झाड़ू पोछा सुबह शाम झाड़ू जो लगाते हैं मूल निवासी आदिवासी रहता है। सुबह सुबह प्लास्टिक जो शहर में चुनने का काम करता है मूल निवासी आदिवासी करता है, और झारखंड जो है मूल निवासी आदिवासी का ही देन है। और यहाँ के जमीन के देखिए चारों तरफ इन्हीं लोग का है, लेकिन इन लोग हास्यकरण में छुटपुट इन लोग गरीब होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार जो है यहाँ भी झारखंड एक मिनी बन जाएगा। मिनी बनने के बाद झारखंड का छात्र हम लोग भी कूड़ा करकट बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए कूड़ा करकट बेचने से अच्छा है आप पढ़िए और लड़िए और आगे आइए, अन्यथा बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए तमाम छात्र था मेरा जितना जोश और जुनून जो बोलने का था आपको हम बताएं, दिखाएं साक्षात, ताकि आप जाग सकें और आगे आ सकें और जोश और जुनून और जज्बे के साथ लड़ सकें। सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। ये कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे पास भेजिए, ताकि जो है जाग सके और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ सके। सभी साथियों को जोहार, नमस्कार।